हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का जो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 3 है। उसमें हम लोग जो है कुछ पिछला वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था टू वेरिएबल से रिलेटेड। आज हम लोग फिर से जो है दो वेरिएबल का ही मैट्रिक्स इक्वेशन लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्या मैट्रिक्स मेथड। क्या सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, क्या है दिए गए जो इक्वेशंस है उसको मैट्रिक्स मेथड के द्वारा क्या करना है, सॉल्व करना है। हालांकि इसका सॉल्यूशन तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, जो है जब तो 10 में पढ़े हुए हैं हम लोग। बहुत सारा मेथड के द्वारा इसको हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो हमको सॉल्यूशन करना है मैट्रिक्स मेथड के द्वारा करना है। दिया गया इक्वेशन में वेरिएबल का संख्या कितना है, 2 है। इक्वेशन कितने हैं, 2 है। लेट करते हैं, लेट ए उसको हम लोग ए मानते हैं, ये हो जाएगा 5 2 7 3। अब जो है लेट फिर क्या मानते हैं, एक्स। एक्स किसको मानते हैं, जो वेरिएबल रहता है। वेरिएबल यहाँ पे कितना है, 2 वेरिएबल एक्स वाई। एंड तीसरा जो है बी मानते हैं कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, 4 5। अब देखिए ये आ गया है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लेट किए हैं इसको हम लोग इस इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वी कैन राइट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरा क्या है 5 2 7 3, ये मेरा है एक्स वाई और बी कितना है 4 5। इस तरह से लिख सकते हैं। यदि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये चीज होगा 5x + 2y = 4। ये होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 3y = 5। इसमें ए मेरा क्या है, ए क्या है एक्स, ए मेरा क्या है बी। देयरफॉर ये मैट्रिक्स इक्वेशन मेरा क्या हो गया, AX = B। अब यहां से हम क्या इसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जानते हैं देखे हैं कि यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालने क्या करना पड़ता है, एन जो दोनों तरफ एन वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट मेरा रिजल्ट क्या होता है, X = A 1B। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स निकालेंगे। सिंस ए मेरा दिया माने हैं, किसको माने हैं, यह 5 2 7 3 दिया गया मैट्रिक्स। ए मेरा क्या दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको हमको चेक करते हैं किसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट ये हो जाएगा 5 2 7 3। ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 3 15 - 14 1 = 0। मतलब क्या हो जाएगा, हेंस ए इनवर्स क्या करने वाला है, एग्जिस्ट करने वाला है। अब क्या निकाले, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका इनवर्स, तो क्या निकाले हम लोग, को फैक्टर निकालेंगे। ये हो जाएगा C11, तो क्या हो जाएगा, को फैक्टर ऑफ A11 दैट इज ऑफ 5। अब हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज, पॉजिटिव साइन, हो जाएगा 3, हो गया 3। हो जाएगा C12 को फैक्टर ऑफ एलिमेंट 12 दैट इज ऑफ ये कितना है 2 का लेंगे, तो 1 + 2 = 3 ऑड नंबर नेगेटिव साइन। मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल कैंसिल, क्या हो जाएगा 7, ये हो गया -7। C21 को फैक्टर ऑफ एलिमेंट 21 दैट इज ऑफ क्या है 7, तो 2 + 1 = 3 ऑड नंबर नेगेटिव साइन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल कैंसिल, क्या हो गया 2 बच जाएगा, तो -2 हो जाएगा। C22 मतलब को फैक्टर ऑफ एलिमेंट 22 दैट इज ऑफ 2 क्वेश्चन में क्या है 3, 2 + 2 = 4 इवन नंबर पॉजिटिव साइन, मतलब क्या हो जाएगा वहां पे 5। तो मेरा क्या हो गया 5। तो हम लोग क्या निकाल लिए, कोफैक्टर निकाल लिए हैं। क्या लिखे हम निकाले, कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेट सी ये मेरा क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स।
2 1 2 2। अब यहाँ का वैल्यू कितना है, 3 -7 -2 5। अब हम लोग क्या निकल गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके बाद जो है इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट। ये हो जाएगा देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब सी डैश, तो हो जाएगा 3 -7 -5 2। ये मेरा क्या निकल गया, सी डैश, मतलब सी डैश बोलते हैं एडजॉइंट निकल गया। हम लोग क्या जानते हैं, इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ये हो जाएगा We know that क्या होता है, A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A, therefore A inverse adjoint of A का वैल्यू कितना है, 3 -2 -7 5 divided by determinant of A का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाल के रखा है, 1। तो therefore ये मेरा हो गया A इनवर्स इज इक्वल टू 3 -2 -7 5। ये हम लोगों का क्या निकल गया, A इनवर्स निकल गया है। हम लोग क्या था जो है, A इनवर्स निकल गया, तो वहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग जो है लेते हैं इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1, क्या था, x इज इक्वल टू A इनवर्स b, तो x का वैल्यू क्या था, x y, A इनवर्स का वैल्यू है 3 -2 -7 5 और b का वैल्यू कितना है, 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई जल्दी करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 3 4 जा, हो जाएगा 12 -10। अब हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 4 जा 28 + 25। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो जाएगा x y, तो मेरा कितना हो गया यहाँ से 2, ये हो गया -3। therefore x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू क्या हो गया, -3। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका आंसर जो मेरा आया है, इसको यदि वेरीफाई करना है कि आंसर मेरा सही है कि नहीं, तो इसको बहुत आसानी से हम लोग जो है चेक कर सकते हैं। आप लोग जानते भी इसको बस चेक करने के लिए, x का वैल्यू कितना है, 2 है, y वैल्यू -3 है। दिया गया इक्वेशन क्या है, इन दोनों इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए। x का वैल्यू यहाँ 5 है, x का वैल्यू कितना है 2 + 2, फिर y का वैल्यू कितना आया है -3, तो 10 - 6 कितना हो गया, 4। देखिए मेरा आगे जैसा क्या है, यदि इसमें पुट करना है आप पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 7 × 2 + 3 × -3, ये कितना होगा 14 - 9, तो कितना होगा 5। अब देखिए इसका क्या है 5, मतलब कोई भी इक्वेशन में रखेंगे तो क्या उसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब है जो हम लोग का वैल्यू आया है वो मेरा क्या है, सही। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए, और जो है इसी टाइप का क्वेश्चन बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, और फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। समझ जाइए, एक क्वेश्चन यदि आप बढ़िया से आप बजान जाइएगा तो 6 नंबर आपके हाथ में रखा हुआ है। एक क्वेश्चन पढ़िए से जो है 6 मार्क्स आपके हाथ में है, सिर्फ इसका जो है ध्यान से देखिएगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है एग्जाम में, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या करते हैं, लेट ए किसको मानते हैं कि वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता है उसको ए मानते हैं, कितना है 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। ये मेरा ए हो गया, एक्स कितना है वेरिएबल का संख्या 3, एक्स वाई जेड, एंड बी मतलब जो कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बनता है वो कितना है 4 9 1। अब जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए क्या है, इन मैट्रिक्स फॉर्म इसको लिख सकते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखिया तो फिर इसने वी कैन राइट गिवन जो है लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 - 1 1 1 - 2 - 2 2 1 3। ये मेरा क्या है, एक्स वाई जेड
इज इक्वल टू ये हो जाएगा 491। ये मेरा था ए एक्स बी, देयरफॉर क्या हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमको x का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब हम लोग क्या निकालेंगे a का इनवर्स, सिंस a मेरा दिया हुआ है कितना है 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। अब सबसे पहले क्या देखेंगे इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं और देखेंगे यदि डिटरमिनेंट इसका नॉन जीरो आएगा मतलब तो उसका एड क्या होगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। अब क्या करते हैं इसको किसी भी रो आप तो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 लेंगे मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल कैंसल, यहाँ कितना है ये हो जाएगा -6 + 2। अब इसको लेंगे -1 मतलब फर्स्ट क्या फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम विल कैंसल, यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 4। अब लेंगे +1 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम विल कैंसल तो आ जाएगा 1 + 4। ये मेरा कितना हो गया यहाँ से -4 ये हो जाएगा -, -+ ये हो जाएगा 4 × 3 = 7। ये कितना हो गया 1 × 4 = 5। ये हो गया -4 × 7 = 5 कितना हो जाएगा 12। अब मेरा कितना हो जाएगा 8। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो गया 8 इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा हेंस ए इनवर्स क्या करने वाला है एग्जिस्ट करने वाला है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग क्या निकालते हैं उसके बाद कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर हम लोग इधर निकालते हैं ये हो जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब हम लोग क्या है ये मेरा क्या है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 तो उतना हम लोग ना लिखते हुए यहाँ क्या होगा क्या साइन होगा 1 + 1 2 पॉजिटिव साइन नेगेटिव पॉजिटिव। अब जो है 1 1 का निकालेंगे मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल कैंसल, यहाँ से क्या हो जाएगा -6 + 2 ये मेरा क्या हो गया -4। अब जो है C12 का निकालेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम विल कैंसल यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 4 ये हो जाएगा 3 + 4 मतलब ये हो गया -7। 1 3 का निकालेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम विल कैंसल यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 4 ये हो जाएगा 1 + 4 ये मेरा कितना हो गया 5। C21 का निकालेंगे मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम विल कैंसल यहाँ हो जाएगा -3 - 1 ये हो जाएगा -3 - 1 तो कितना हो गया 4। C22 का निकालेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम विल कैंसल ये हो जाएगा 3 - 2 3 - 2 ये क्या हो गया 1। 2 3 का निकालेंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम विल कैंसल ये हो जाएगा 1 + 2 1 + 2 ये हो गया मेरा -3। 3 1 का निकालेंगे फर्स्ट कॉलम थर्ड रो विल कैंसल ये हो जाएगा 2 + 2 2 + 2 4। 3 2 का निकालेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम विल कैंसल यहाँ से हो जाएगा -2 - 1 - 2 - 1 ये हो गया 3। 3 3 का निकालेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम विल कैंसल हो जाएगा -2 + 1 - 2 + 1 ये मेरा क्या आ गया -1 मतलब क्या निकल चुका है हम लोग का को फैक्टर निकल चुका है। अब लेट करते हैं लेट सी जो मेरा क्या है को फैक्टर मैट्रिक्स C11 C12 C13 C21 C22
सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री। अब इसका वैल्यू कितना आया है, ये है माइनस फोर माइनस सेवन फाइव, फिर क्या फोर वन माइनस थ्री फोर थ्री माइनस वन। अब लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल चुका है, क्या निकालेंगे एडजॉइंट। देयरफॉर ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये हो जाएगा माइनस फोर माइनस सेवन फाइव फोर वन माइनस थ्री फोर थ्री माइनस वन। ये हम लोग का क्या निकल गया है, क्या निकल एडजॉइंट निकल गया है। अब क्या है एडजॉइंट निकल गया है तो होगा वो आगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एंड एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है अभी हम लोगों ने निकाला था, ये है माइनस फोर 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 माइनस सेवन वन थ्री फाइव माइनस थ्री माइनस वन। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है एट, देयरफॉर ये हो जाएगा मेरा ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाय एट, ये हो जाएगा माइनस फोर 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 माइनस सेवन वन थ्री फाइव माइनस थ्री माइनस वन। अब हम लोग का जो है क्या निकल गया है ए इनवर्स निकल गया है, तो कहाँ लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन क्या था एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स का वैल्यू हम लोग क्या था ये मेरा जो था वेरिएबल से जो बनता है मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल के रखा है कितना है, ये है वन बाय एट इंटू माइनस फोर 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 माइनस सेवन वन थ्री फाइव माइनस थ्री माइनस वन, एंड बी का वैल्यू कितना है फोर नाइन वन, ये है फोर नाइन वन। यदि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो यह वन बाय एट फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा माइनस सिक्सटीन प्लस थर्टी सिक्स प्लस फोर, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एट प्लस नाइन प्लस थ्री, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा फाइव फोर जा ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस वन, ये हो जाएगा मेरा वन बाय एट। अब कितना होगा थर्टी सिक्स एंड फोर फोर्टी में सिक्सटीन जाएगा ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर, अब कितना होगा नाइन और थ्री ट्वेल्व, ट्वेंटी एट में ट्वेल्व जाएगा कितना हो जाएगा सिक्सटीन, ये मेरा होगा माइनस सिक्सटीन। अब ये कितना है माइनस ट्वेंटी एट में एट तो माइनस एट। अब क्या है ये एट से क्या करेंगे तीनों एलिमेंट से क्या कर देंगे डिवाइड यदि कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई एट माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई एट माइनस एट डिवाइडेड बाई एट, ये कितना टाइम्स में कटेगा थ्री टाइम्स, ये हो जाएगा टू टाइम्स, ये हो गया वन। तो देयरफॉर ये मेरा हो गया एक्स वाई जेड का वैल्यू, ये मेरा कितना आ गया है यहाँ पे है थ्री माइनस टू माइनस वन। अब हम लोग का जो है देयरफॉर क्या लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री, वाई का वैल्यू कितना है माइनस टू, जेड का वैल्यू कितना है माइनस वन। ये हम लोग का क्या आ गया है आंसर। अब चेक करते हैं कि एग्जाम में हम लोग को इतना ही दूर तक बनाना है, लेकिन जो रफली भी हम लोग को चेक करना है ये आंसर मेरा सही है कि नहीं, तो क्या करेंगे ये जो है एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया गया जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसमें कोई भी इक्वेशन है पुट करेंगे क्या करना चाहिए उसको सेटिस्फाई करेगा। मान लेते हैं पर रफली को कर रहे हैं, ये पहला इक्वेशन क्या है एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फोर, इसको पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना है थ्री, वाई का वैल्यू कितना माइनस टू, जेड का वैल्यू कितना माइनस वन, तो जाएगा थ्री हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू माइनस वन, तो जाएगा फाइव माइनस वन फोर। ये देखिए मेरा क्या आ गया है आर एच एस आ गया है, इसका मतलब जो हम लोग का जो वैल्यू आया है वो मेरा क्या है सही है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जो है थ्री वेरिएबल का, कि उससे हम लोग मैट्रिक्स मेथड के द्वारा एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे,
जो एग्जाम उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आता है 6 मार्क्स का। तो आज के लिए हम लोग के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।